हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव पटवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरहुजाटा ब्लॉग। दोस्तों, महिंद्रा एक्सयूवी 300 की चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 300 को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इससे रिलेटेड एक एक जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरहुजाटा ब्लॉग को, और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मैं यूं ही रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अब तक सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन रही है, जिसे ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और रिसेंटली टाटा मोटर के प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस को लॉन्च से पहले ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और अब दोस्तों, महिंद्रा भी टाटा के नक्शे कदम पे चल रही है, और महिंद्रा एक्सयूवी 300 के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 300 को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों। बहुत जबरदस्त न्यूज है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 में एडल्ट ऑक्यूपेंट की प्रोटेक्शन के लिए अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है दोस्तों, 17 में से पूरे 16.42 की रेटिंग हासिल की है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट की प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 37.44 की रेटिंग मिली है दोस्तों। महिंद्रा एक्सयूवी 300 के इस ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में बॉडी और फुटवेल स्टेबल पाए गए। जहां तक महिंद्रा एक्सयूवी 300 की फ्रंट इंपैक्ट की बात करें तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी गई है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों। वहीं हम महिंद्रा एक्सयूवी 300 के साइड इंपैक्ट की बात करें तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी गई है। इस ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में महिंद्रा एक्सयूवी 300 के टॉप इन वेरिएंट W8 को चुना गया है। और सेफ्टी फीचर्स की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मिल जाते हैं आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डिस्क ब्रेक ऑन 4 व्हील्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड 1 एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके टॉप इन वेरिएंट W8 ऑप्शनल में आपको 7 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हीटेड ORVM और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स इसके टॉप इन वेरिएंट W8 ऑप्शनल में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे W8 टॉप इन वेरिएंट में जिसमें ड्यूल एयरबैग मिलता है, उसी का टेस्ट यहाँ पे कराया गया है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, महिंद्रा एक्सयूवी 300 के W8 वेरिएंट को इस क्रैश टेस्ट के लिए चुना गया है, जिसमें 2 एयरबैग अवेलेबल थे। और एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिसमें 17 पॉइंट में से 16.42 की रेटिंग मिली है। वहीं हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो पूरे 4 स्टार की रेटिंग मिली है, टोटल 49 पॉइंट में से 37.44 की रेटिंग मिली है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए, जो कि काफी बेहतर है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 इस ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करने वाली मेड इन इंडिया कार बन चुकी है दोस्तों। ये थी दोस्तों महिंद्रा एक्सयूवी 300 के ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट की जानकारी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं यूं ही रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।